पहले बैटिंग की दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बैटिंग की दावत दी तो राजस्थान रॉयल्स ने मुक्रा बीस ओवर में पांच विकेटों के नुकसान पर एक सौ पचासी रन बनाए जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम वगैरह बीस ओवर्स में पाँच ही विकटों के नुकसान पर एक रन बना सकी और इस तरह इसे मैच में 12 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा टोटली कंट्रास्ट जी आठवां मैच आपको नजर आया होगा सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियन 277, सौ 500 से ज्यादा रन अठतीस छक्के लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच 200 से कम अगर हो तो आप समझ कि कंडीशन डिफरेंट है सीम और स्विंग बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी अर्ली ऑन लेकिन सेकेंड इनिंग में ड्यू और थोड़ा बैटिंग थोड़ी बेहतर होगी कंडीशन लेकिन चेज नहीं कर पाई दिल्ली कैपिटल की टीम पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने जिसका आगाज़ मैं कहूँगा कि कोई अच्छा नहीं था बॉल की मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी मुकेश कुमार की और उन्होंने यशवी जायसवाल जो इंडिया के फाइंड ऑफ द इंग्लैंड टूर कहे जाते हैं यशवी जायसवाल उनको पाँच के स्कोर पे क्लीन बोल कर नौ के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है दूसरे ओवर में और दूसरी विकेट तीस के स्कोर पे संजू सैमसन उनके कैप्टन जिन्होंने पिछले मैच में पचासी रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली थी वो आउट होते हैं छठे ओवर में और इन्होंने सिर्फ पंद्रह रन बनाए इनका कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने बॉलर थे खलील अहमद और फिर तीसरी विकेट छत्तीस के स्कोर पर जस बटलर बड़ा एक क्लीन पैच चल रहा है जस बटलर का, का काफ़ी लंबा टाइम हो गया है ग्यारह रन बनाने के बाद इनको कुलदीप यादव ने लेग बिफोर आउट किया रिवर्स स्वीप करने गए राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट ये ट्रैप पाए गए और फिर आपको नजर आएगा कि एक पार्टनरशिप है पार्टनरशिप मैटर करती है जहां किसी भी फॉर्म में जब आपके अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं और ये हमने देखा कि पहले तीन विकटें गिर गई हैं उसके बाद से चौवन रन की पार्टनरशिप रविचंद्र आश्विन को प्रमोट किया गया और इन्होंने रेयान प्राग के साथ मिलते हुए सैंतीस गेंदों पे यानी छः आशारी एक ओवर में चौवन रन बनाए जिसमें उन्नीस गेंदों पे उनतीस रन रविचंद्र आश्विन ने बनाए और इसमें इन्होंने तीन छक्के लगाए जी हाँ बेस्ट बॉलर आप मुखालिफ टीम के कह सकते हैं कुलदीप यादव और एनड्रिक नोकिया जिन जो पेस के साथ बॉल करते हैं इनको उन्होंने तीन छक्के लगाए और पहली मरतबा इनका रन रेट जो है वो ग्यारहवें ओवर में छः तक पहुँचा तो छत्तीस से लेकर नब्बे का स्कोर इनका 14वें ओवर में, में पहुँचा तब रविचंद्र आश्विन जो है वो चौथे बैट्समैन आउट हुए और इन्होंने उनतीस रन बनाए उनतीस उन्नीस गेंदों पे तीन छक्कों की मदद से एक सौ बावन के स्ट्राइक रेट के साथ और इनका कैच पकड़ा स्टब्स ने बॉलर थे पटेल और उसके बाद आपको नजर आएगा कि यहाँ से रियान पराग जो अब तक बड़े स्ट्रगल कर रहे थे बीस गेंदों पर सोलह रन बनाए थे इनिंग इन्होंने बिल्कुल यहाँ से चेंज की अपनी जी हाँ इनिंग यहाँ से चेंज की पहले बीस गेंदों, गेंदों पर सोलह और फिर पैंतालीस गेंदों पर चौरासी रन की मैच विनिंग इनिंग जी हाँ नाकाबले शिकस्त चौरासी रन सिर्फ पैंतालीस गेंदों पर सात चौकों और छह छक्कों की मदद से एक सौ छियासी का स्ट्राइक रेट जी आखिरी ओवर में इन्होंने पच्चीस रन भी बनाए एंड्रिक नोकिया के दो छक्के लगाए इन्होंने और जबरदस्ती परफॉर्मेंस लेकिन पांचवी विकेट गिरती है एक के स्कोर पर ध्रुव जुरेल आउट हुए अठारवें ओवर में इन्होंने बीस रन बनाए बोल्ड किया इनको एंड्रिक नोकिया ने बारह गेंदों पर बीस रन बनाए तीन चौके इनकी इनिंग में शामिल थे एंड में आपको नजर आएगा शिमरन हिटमेयर सिर्फ सात गेंदे खेली जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था चौदह रन बनाए तो इनकी टीम मुकर बीस ओवर में पांच विकेटों के नुकसान पर एक सौ पचासी रन बना सकी नंबर ऑफ सिक्स

डेली कैपिटल की बहुत अच्छी बॉलिंग इकतीस पे दो आउट कर लिए और पहले पचास रन नौ अशहारिया तीन यानी दसवें ओवर में जाके कर पचास रन मुकम्मल होते हैं तो हाफ वे मार्क डेली कैपिटल बड़ा कंफर्टेबल था कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और कितने कर लेंगे बहुत ज़्यादा कर लिया तो एक सौ कर लेंगे लेकिन उसके बाद से चौथी विकेट की पार्टनरशिप में पचास रन इकतीस गेंदों पर जिसमें रियान पराग ने उन्नीस और रविचंद्र अश्विन ने अट्ठाईस इन्होंने मोमेंटम दिया इस इसिंग को और चौदहवें ओवर पे जब दूसरा स्ट्रेटिजिक टाइम आउट इन्होंने लिया तो इनकी इनिंग का टोटल था तिरानवे चार विकेटों के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स ने अपने सौ रन चौदह आशारिया तीन ओवर में मुकम्मल किए जी हाँ नौ आशारिया तीन ओवर में पचास और चौदह आशारिया तीन ओवर में यानी अगले पाँच ओवर में इन्होंने अगले पचास रन मुकम्मल किए तो यहाँ इनिंग को गेयर शिफ्ट किया और रियान पराग ने चौंतीस गेंदों पर पचास रन बनाए चार चौके तीन चक्के इनकी, इनकी इनिंग में शामिल थे जबकि पाँचवीं विकेट की पार्टनरशिप में पचास रन सिर्फ बाईस गेंदों पर जिसमें रियान पराग ने बत्तीस और ध्रुव जुरैल ने बीस रन बनाए राजस्थान रॉयल्स ने अपने डेढ़ सौ रन अट्ठारह या तीन ओवर में मुकम्मल किए और इनिंग का अख्ताम किया एक सौ पचासी पांच विकेटों के नुकसान पर दिल्ली की बॉलिंग देख ली जाए आगाज तो बहुत अच्छा था खलील अहमद इकोनॉमिकल भी आपको नजर आ रहे हैं चार ओवर में सिर्फ चौबीस रन दिए और एक विकेट हासिल की और इनके अलावा अक्षर पटेल चार ओवर में सिर्फ इक्कीस रन देकर एक विकेट ये दोनों छह या छह से कम खलील अहमद ने छ रन पर ओवर और अक्षर पटेल ने पांच आशार्य दो पांच ओवर तो ये बड़े जबरदस्त बॉलिंग लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉलिंग आपको नजर आएगी सब दस से ज्यादा रन दिए सबने मुकेश कुमार चार ओवर में उनचास रन देकर एक विकेट हासिल की बारह आशारिया दो पाँच इनका इकॉनमी था सात चौके दो छक्के और एक वाइड इन्होंने कंसीड की एंड्रिक नोर किया एक्सट्रीम पेस के साथ बॉल करते हैं और यही बैट्समैन चाहता है कि बॉल बल्ले पर आए तब वो उसको कनेक्ट कर लें चार ओवर में अड़तालीस रन दिए और एक विकेट हासिल की और इनकी बॉलिंग पे नंबर ऑफ बाउंड्री सबसे ज्यादा है यानी कि चार चौके और साथ साथ चार छक्के भी लगे और फिर कुलदीप यादव हैं जबरदस्त सिंह इंडिया की जानव से खेलते हैं और बड़ा कंट्रोल रखते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा दिन होता है जहाँ ये भी थोड़े इनके हिसाब से एक्सपेंसिव है क्योंकि बड़े इकोनॉमिकल बॉलर हैं चार ओवर में इकतालीस रन देकर एक, एक विकेट हासिल की और इनकी बॉलिंग पर एक चौका और तीन छक्के लगे साथ साथ इन्होंने दो वाइड बॉल भी की तो प्रेशर जब आता है तो फिर आपकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है और फिर आप थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं जवाब में जहाँ दिल्ली कैपिटल जिनको एक सौ का हदफ़ मिला उनका आगाज़ आपको नजर आया होगा ये दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बैट्समैन है डेविड वार्नर और मिचुलमाश और दोनों जारेाना अंदाज से खेलते हैं डेविड वार्नर थोड़ा सा ओपन स्टांस इन्होंने कर लिया है उसकी वजह से जब वाइड यॉर्कर्स वाइड लेंथ पे इनको बॉल की जाती है तो वो पोल अपार्ट लगता है बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से इनको खेलना क्योंकि पेडॉम्डनी लेग साइड को प्रेफर करते हैं जब आप ओपन स्टांस के साथ बैटिंग करते हैं तो आपका इंटेंशन यही होती है कि आप टूवर्ड लेग साइड पर ज़्यादा शॉट खेलें तो तीस के स्कोर पर पहली विकेट गिरती है तीन आशार्य दौर में मिचुलमाश आउट होते हैं बारह गेंदों पर तेईस रन और पांच चौके छोटी छोटी इनिंग खेल रहे हैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उसको इंटू एवं जब आप बहुत ज्यादा शॉर्ट्स खेलते हैं तो आपके आउट होने के भी इम्कान होते हैं आंध्रे बर्जर ने इनको आउट किया और उसके बाद से दूसरी विकेट तीस के स्कोर बैक टू बैक दो विकटें रिकी भूई आए और दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए कैच पकड़ा संजू सैमसन ने बॉलर थे आंध्रे बर्ग फिर उसके बाद से तीसरी विकेट सत्तानवे के स्कोर पे डेविड वार्नर आउट होते हैं बारहवें ओवर में और इनका कैच पकड़ा संदीप शर्मा ने बॉलर थे अवेश खान एक रन की दूरी से अपनी निफ्रेंचीना मुकम्मल कर सके चौंतीस गे, गेंदों पे उनचास रन बनाए जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे एक सौ चवालीस का स्ट्राइक रेट था फिर इसके बाद चौथी विकेट एक सौ के स्कोर पे ऋषभ पंत द कैप्टन वो आउट होते हैं चौदवें ओवर में और 28 रन बनाए इन्होंने कैच पकड़ा संजू सैमसन ने बॉलर थे चाहल और इन्होंने 26 गेंदों का सामना किया जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था पांचवी विकेट 122 के स्कोर पे अभिषेक पोरल आउट होते हैं और इन्होंने सिर्फ नौ रन बनाए कैच पकड़ा जस बटलर ने बॉलर थे चाहल लेकिन एंड में आपको नजर आया होगा कि एक जबरदस्त सी पार्टनरशिप है क्रिस्टियन स्टब्स और पटेल के दरमियान जी हाँ सिर्फ 27 गेंदों पे इक्यावन रन इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से ये मैच जीतने के करीब आ गए थे आखिरी दस गेंदों पर बाईस रन ज़्यादातर टीम जब इस तरह की पार्टनरशिप भी होगी हो पचास की आप सेट होते हैं दोनों बैट्समैन तो आखिरी दस पे बाईस होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको दाद देनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को जिन्होंने यॉर्कर्स बड़े ज़बरदस्त परफेक्ट यॉर्ट किए और यही वजह है कि उनकी टीम इस टोटल को बचाने में कामयाब होगी और बारह रन से मैच को जीत लिया डेली कैपिटल्स की इनिंग की पार्टनरशिप पहली विकेट पे तो तीस दूसरी विकेट पे सिफर तीसरी विकेट पे सड़सठ रन सिक्सटी सड़ सेवन ऑफ फोर्टी सिक्स बॉल जिसमें डेविड वार्नर ने बयालीस और ऋषभ पंत ने चौबीस रन बनाए फिर उसके बाद से दो और जल्दी विकटें गिर जाती हैं चौथी विकेट पे आठ पाँचवें विकेट पे सत्रह लेकिन छठी विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप इसमें फिफ्टी ऑफ ट्वेंटी बॉल्स इसमें पटेल ने पंद्रह और स्टब्स ने चौ, सिर्फ चौदह गेंदों पे चौंतीस रन बनाए साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है और बहुत ज़्यादा इनको हाईली रेट किया जाता है कि ये छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं लेकिन मैच जिताते तब मजा आता है लेकिन कल ये बारह रन की दूरी पर अपनी टीम को मैच जिताने में नाकाम रहे एक रन बनाए इन्होंने पाँच विकेटों के नुकसान पर मुकर बीस ओवस में आठ हशियारिया छः पाँच के औसत से और नंबर ऑफ सिक्स अगर इनकी इनिंग में देख ली जाए तो सात जहाँ राजस्थान रॉयल्स ने दस छक्के लगाए वहाँ इनकी टीम सात लगा सकी और इसी तरह चौके अगर देख ली जाए तो पंद्रह चौके इनकी इनिंग में थे और ये डिफरेंस है थोड़ा सा बहुत ही क्लोज मैच मैं कहूँगा कोई इतना ज़्यादा नहीं है कोई भी टीम जीत सकती थी लकीली राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत गई अब दोनों इनिंग की पेस देख लेते हैं जिससे हमने कहा राजस्थान रॉयल्स ने पहले छः ओवर में फर्स्ट पावर प्ले में इकत्तीस रन बनाए दो विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल मोमेंटम नहीं था उनके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल का स्टार्ट काफ़ी बेहतर था छः ओवर में उनसठ रन बनाए दो विकेटों के नुकसान पर पहले पचास रन इन्होंने पाँच अशारिया एक ओवर में मुकम्मल कर लिए इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दसवें ओवर में जाके कर पचास रन मुकम्मल किए थे और फिर इसी तरह इन्होंने अपने सौ रन जो हैं वो बारह अशार्य एक ओवर में यहाँ भी आपको नजर आएगा कि दिल्ली कैपिटल आगे है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने अपने सौ रनस पंद्रहवें ओवर में यानी चौदह आशार्य तीन ओवर में मुकम्मल किए थे और फिर सत्रह आशार्य दो ओव में दिल्ली कैपिटल ने अपने डेढ़ सौ रनस और इनके मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने अठारह आशार्य तीन ओवर में डेढ़ सौ रनस मुकम्मल किए अब डिफरेंस क्या है एनरिक नोकिया के आखिरी ओवर में जो पच्चीस रन बने वो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है और ये यहाँ तक आपको नजर आएगा दिल्ली कैपिटल आगे है लेकिन एंड में राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स ने जो यॉर्कर्स बड़े ज़बरदस्त किए वहाँ इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया छठी विकेट की पार्टनरशिप में पचास रन जो मैंने बताया कि क्रिस्टियन स्टर्ब्स और अक्षर पटेल के दरमियान हुए पच्चीस गेंदों पर जिसमें स्टब्स ने चौंतीस और पटेल ने चौदह रन्स बनाए तो जनाब ये मैच राजस्थान रॉयल्स ने बारह रन से जीता इनकी बॉलिंग देख ली जाए ट्रेंट बोल्ट एक रिकॉर्ड रखते हैं कि अपने पहले ओवर में विकेट हासिल कर लेते हैं कल उन्होंने विकेट तो नहीं हासिल की लेकिन तीन ओवर में उनतीस रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की तीन चौके दो छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे इसके बावजूद तीन ओवर में उनतीस रन दिए लेस देन टेन रन पर ओवर आंध्र बर्जर है तीन ओवर में उनत्तीस रन इन्होंने भी दिया और दो विकेट हासिल की और इनकी बॉलिंग पे पांच चौके और एक छक्का लगा फिर रविचंद्र आश्विन तीन ओवर में तीस रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं की एक चौका और दो छक्के इनकी बॉल पर भी लगे अवैश खान एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की यॉर्कर बहुत अच्छे परफेक्ट एग्जीक्यूट किए चार ओवर में उनतीस रन देकर एक विकेट हासिल की सात अशारिया दो पाँच के औसत से रन दिए सिर्फ चार चौके इनकी बॉलिंग पर लगे युजवेंद्र चाहल तीन ओवर में उन्नीस रन दिए दो विकेट हासिल की छः अशार्या तीन तीन के औसत से रन दिए सिर्फ एक छक्का इनके तीन ओवर में लगा और संदीप शर्मा चार ओवर में छत्तीस रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं की दो चौके और एक छक्का इनकी बॉल पर भी लगा और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच बारह रन से जीत लिया के के इंडियन प्रीमियर लीग के पॉइंट राजस्थान रॉयल इनका भी 100 परसेंट विन का रिकॉर्ड है दो मैच खेले दो जीते चार पॉइंट लेकिन थोड़ा सा नेट रेट कम है इस वजह से दूसरे नंबर परीरो इनका नेट रेट तीसरे नंबर पे सनराइज हैदराबाद दो मैच खेले एक जीता एक हारा दो पॉइंट पॉइंट सिक्स सेवन इनका नेट रेट चौथे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स एक मैच खेला एक जीता दो पॉइंट हैं और पॉइंट टू जीरो इनका नेट रेट पांचवें नंबर पे पंजाब किंग्स हैं जिसने भी दो मैच खेले एक जीता एक हारा, दो पॉइंट पॉइंट जीरो टू इनका नेट रेट रॉयल चैलेंजर बैगलोर जिसने दो मैच खेले एक जीता एक हारा दो पॉइंट माइनस पॉइंट वन एट इनका नेट हंड्रेड सातवें नंबर पे गुजरात टाइटंस हैं दो मैच खेला एक जीता एक हारा दो पॉइंट माइनस वन पॉइंट फोर टू इनका नेट हंड्रेड इसके बाद आठवें नंबर पे डेली कैपिटल्स दो मैच खेले दोनों में शिकस्त हुई और माइनस पॉइंट फाइव टू इनका नेट हंड्रेड नौवें नंबर पर मुंबई इंडियन जिसने दो मैच खेले दोनों में इनको भी शिकस्त हुई माइनस पॉइंट नाइन टू इनका नेट हंड्रेड और लास्ट पट नॉर्थ दसवें और आखिरी नंबर पे